हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिग्नल सिस्टम में डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म में एलएनबी ओपेनियम का प्रॉब्लम नंबर 5.12 का सलूशन करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 5.12 स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है, जिसमें थोड़ा एडवांस कंसेप्ट भी यूज होंगे, तो देखेंगे इसमें कुछ नए नए कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। एक सिग्नल दे रखा है वाई एन इक्वल टू साइन पाई बाई फोर एन डिवाइड बाई पाई एन का होल स्क्वायर। एक कन्वोल्यूशन का साइन है, कन्वोल्यूशन विथ साइन ओमेगा सी एन डिवाइड बाई पाई एन, ये दे रखा है, वेयर स्टार डिनोट्स कन्वोल्यूशन एंड ओमेगा सी जो है माइनस पाई से पाई के बीच है। मॉड ओमेगा सी लेस देन पाई का मतलब ओमेगा सी की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच है। डिटरमाइन स्ट्रिक्टर कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट्स कंडीशंस फाइंड करनी है ओमेगा सी के लिए, विच इंश्योर डेट वाई एन इक्वल टू साइन पाई बाई फोर एन स्क्वायर एन डिवाइड बाई पाई एन का होल स्क्वायर। ओमेगा सी पे क्या कंडीशन फाइंड करें कि वाई एन का जो वैल्यू होगा वो इसके बराबर होगा, ए वाला वैल्यू नहीं आएगा रिजल्ट में। तो एक फिल्टर टाइप का क्वेश्चन है कि एक्स एन अगर हम इनपुट दे रहे हैं और एच एन सिस्टम फंक्शन है, तो आउटपुट वाई एन इक्वल टू होता है कन्वोल्यूशन ऑफ एक्स एन कन्वोल्यूशन ऑफ एच एन होता है ना। एच एन अगर हम यहां से कंसिडर कर ले तो एच एन है साइन ओमेगा सी एन डिवाइड बाई पाई एन, और एक्स एन है साइन पाई बाई फोर एन डिवाइड बाई पाई एन का होल स्क्वायर। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए कि ये जो इनपुट देंगे ऐसा ओमेगा सी पे क्या कंडीशन करें कि जैसा इनपुट दें वैसा ही आउटपुट आ जाए, वाई एन भी हमारा क्या आ जाए एक्स एन के बराबर आ जाए। तो ये फिल्टर का काम करेगा साइन ओमेगा सी एन बाई पाई एन। नेक्स्ट जो चैप्टर आप सैम्पलिंग का पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए ये यूजफुल है कि ये क्या है, सिलेक्टिव फिल्टर है, जो ये जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी को आगे जाने दे रहा है, इसको ब्लॉक नहीं कर रहा है, उसके लिए ओमेगा सी की क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन भी निकल के आएगी। साथ ही और भी बहुत सारे कंसेप्ट देखेंगे, इसमें कन्वोल्यूशन का कंसेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। तो इसमें वाई एन जो है वो साइन पाई बाई फोर एन डिवाइड बाई पाई एन का होल स्क्वायर है, इसको लिख दें जी एन लेट कर ले, जी एन इक्वल टू अगर है साइन पाई बाई फोर एन डिवाइड बाई पाई एन, जी एन क्या अभी तो एक्स एन हमने लिखा है ना, इसको एक्स एन कर लीजिए ना, का होल स्क्वायर। तो इसका पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म हम निकालने का प्रयास करेंगे, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म को कंपेरिजन करेंगे। साइन पाई बाई फोर एन डिवाइड बाई पाई एन का डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे। सबसे पहले साइन पाई बाई फोर एन डिवाइड बाई पाई एन का डीटीएफटी निकालते हैं। ये सिंक फंक्शन है, इसका डीटीएफटी नेचुरल सी बात है गेट फंक्शन आएगा। तो हम गेट फंक्शन इसको हम एक ऐसा सिग्नल ले लेते हैं जी ई टू डी पावर जी ओमेगा, इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म हम फाइंड करने का प्रयास करेंगे। एक नॉर्मल सा गेट फंक्शन ले ले, माइनस डब्लू टू प्लस डब्लू वन है, इसका इनवर्स डीटीएफटी निकालने का प्रयास करते हैं, फिर इसको कंपैरिजन करेंगे साइन पाई बाई फोर एन डिवाइड बाई पाई एन से, ताकि इसका फिर वापस फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सके। इसका जो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा सिंक के फॉर्म में आएगा, तो सिंक का फूरियर ट्रांसफॉर्म ए हो जाएगा। देखते हैं इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, आप बता सकते हैं जी एन इक्वल टू होगा वन बाई टू पाई इंटीग्रेशन विद इन टू पाई टाइम इंटरवल जी टू डी पावर जे ओमेगा e टू डी पावर माइनस जे ओमेगा एन डी ओमेगा ए होगा। ऐसे डायरेक्ट भी आप रिजल्ट यूज कर सकते हैं, साइन ओमेगा एन डिवाइड बाई पाई एन का फूरियर ट्रांसफॉर्म डीटीएफटी क्या होता है, वन होता है जब ओमेगा जीरो से डब्लू के बीच में मॉड ओमेगा, और जीरो होता है जब मॉड ओमेगा डब्लू से पाई के बीच में हो।
ये रिजल्ट होता है साइन ओमेगा एन बाई पाई साइन डब्ल्यू एन बाई पाई एन का डीटी डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म माइनस डब्ल्यू से प्लस डब्ल्यू तक वन होता है और उसके बाहर जीरो होता है। तो इसको चाहे तो आप इनवर्स डीटीएफटी निकाल के डिराइव भी कर सकते हैं, इसको डिराइव करेंगे, ऐसा एक वीडियो में हमने कर भी रखा है, इसका इनवर्स डीटीएफटी निकालेंगे तो वापस ए आ जाएगा। चलिए यहां भी मैं कर देता हूं, वन बाई टू पाई माइनस डब्ल्यू टू डब्ल्यू, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं इसको डिराइव भी कर देता हूं, डिराइव करने में भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसका इंटीग्रेशन करें, क्या आएगा इंटीग्रेशन, ई टू डी पावर एक्स का ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा एन डिवाइड बाई माइनस जे ओमेगा माइनस डब्ल्यू टू डब्ल्यू हो जाएगा। इसको मैं ऊपर लिखता हूं, पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट माइनस जे ओमेगा, अच्छा ओमेगा के रेस्पेक्ट में तो किया ही ना हमने इंटीग्रेशन पर, माइनस जे एन वन बाई माइनस टू जे पाई एन, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ई टू डी पावर माइनस जे डब्ल्यू एन, ओमेगा के जगह पर हमने डब्ल्यू पुट कर दिया, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस ई टू डी पावर प्लस जे डब्ल्यू एन ए आ गया। और आप जानते हैं ई टू डी पावर जे थीटा माइनस ई टू डी पावर माइनस जे थीटा होता है टू जे साइन थीटा, इसकी वैल्यू टू जे साइन थीटा होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वन माइनस वन बाई टू जे पाई एन माइनस टू जे साइन थीटा साइन डब्ल्यू एन, टू जे कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई एन भी था माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन डब्ल्यू एन डिवाइड बाई पाई एन आ गया, साइन डब्ल्यू एन डिवाइड बाई पाई एन। तो समझ गए साइन डब्ल्यू एन डिवाइड बाई पाई एन का फूरियर ट्रांसफॉर्म वन होगा माइनस डब्ल्यू से डब्ल्यू के बीच में और इसके बाहर जीरो होगा, और हम वन टाइम पीरियड में ही देख रहे हैं, माइनस पाई से पाई के बीच में देख रहे हैं, तो W से पाई के बीच जीरो होगा, माइनस W से माइनस पाई के बीच जीरो होगा वन टाइम पीरियड में, बाकी तो इसके बाद यही सेम रिपीट करता है, आप देख चुके हैं DTFT ऑलवेज पीरियोडिक विद टाइम पीरियड 2 पाई। तो हमने इसका डेरिवेशन भी कर लिया, डेरिवेशन नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट रिजल्ट को भी यूज कर सकते हैं, डेरिवेशन को मैं नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं आगे बढ़ता हूं। साइन डब्ल्यू एन का पता है तो इससे आप निकाल सकते हैं किसका, साइन पाई एन, साइन पाई बाई फोर एन, सॉरी यहां क्या है पाई बाई फोर एन, साइन पाई बाई फोर एन डिवाइड बाई पाई एन का डीटीएफटी क्या होगा, वन हो जाएगा, कहां से कहां तक, डब्ल्यू के जगह पर पाई बाई फोर आ गया, जीरो लेस देन मॉड ओमेगा लेस देन इक्वल टू पाई बाई फोर, और जीरो होगा जब ओमेगा पाई बाई फोर से पाई के बीच होगा, यहां पाई बाई डब्ल्यू था तो डब्ल्यू लिख दिया था, पाई बाई फोर है तो यहां पाई बाई फोर आ गया, सेम सिग्नल आ गया, मतलब माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर के बीच वन होगा, माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर के बीच वन होगा और इसके दोनों साइड बाहर इसके जीरो होगा, पाई बाई फोर से पाई भी जीरो होगा, पाई बाई फोर से पाई भी जीरो होगा, और यहां मॉड ओमेगा है, मॉड ओमेगा का मतलब माइनस पाई से माइनस पाई बाई फोर भी वैल्यू जीरो होगा। इतना तो समझ गए, हमने यहां तक पहुंच गए, साइन पाई बाई फोर एन डिवाइड बाई पाई एन का डीटीएफटी हमने प्राप्त कर लिया, फाइंड कर लिया। अब इसके स्क्वायर का डीटीएफटी फाइंड करने का प्रयास करेंगे, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, xn इंटू एच एन, एक्स एन इंटू एच एन का डीटीएफटी होता है क्या होता है, वन बाई टू पाई इंटीग्रेशन विद इन टू पाई टाइम इंटरवल, इंटीग्रेशन विद इन टू पाई टाइम इंटरवल एक्स ई टू डी पावर जे थीटा इंटू एच ई टू डी पावर जे ओमेगा माइनस थीटा डी थीटा, बोले तो इसको लिख सकते हैं वन बाई टू पाई इंटू एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा कन्वोल्यूशन ऑफ एच ई टू डी पावर जे ओमेगा, इसको जी एन हमने मान लिया है,
तो ये जी टू दी पावर जे ओमेगा हो गया, मतलब एक्स एन को हम क्या लिख ले जी एन का स्क्वायर। तो एक्स एन इक्वल टू क्या है जी एन इंटू जी एन का स्क्वायर है, तो एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा क्या हो जाएगा 1/2 pi जी ई टू डी पावर जे ओमेगा कन्वोल्यूशन ऑफ जी ई टू डी पावर जे ओमेगा विद इन वन टाइम पीरियड 2 pi टाइम इंटरवल के बीच में। तो क्या होगा बताइए, इसका कन्वोल्यूशन कैसे करेंगे? ये दोनों सेम जी टू डी पावर जे ओमेगा ऐसा एक दूसरा होगा और उसका कन्वोल्यूशन करना है, कैसे करेंगे बताइए। कन्वोल्यूशन वाले चैप्टर में जाइए, हमने बता रखा है इसका डायरेक्ट रिजल्ट लाने का तरीका। इसका डायरेक्ट कैसे रिजल्ट लाएंगे इसका तरीका हमने बता रखा है, क्या होता है इसका डायरेक्ट रिजल्ट, आइए देखते हैं। इसे भी ऊपर में लिख रहा हूं, दो गेट फंक्शन है ना, एक ले लेते हैं माइनस ए टू ए वैल्यू बी है, इसका कन्वर्शन करना है, इसका कन्वर्शन करना है, बड़ा काम का रिजल्ट है भाई, है ना। बड़े बड़े समस्याओं को आसानी से सोल्व कर देने वाला रिजल्ट है भाई, ध्यान में रखिएगा। माइनस ए टू ए बी है या माइनस ए टू ए बी है, दोनों सेम हमने सिग्नल ले लिया, यहां इसी की जरूरत है। इसका जो रिजल्ट होता है ना जी, ये रिजल्ट होता है माइनस टू ए टू टू ए टू ए बी स्क्वायर, इसका जो रिजल्ट होता है माइनस टू ए टू टू ए और जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है 2a b स्क्वायर, जीरो पे जो मैग्नीट्यूड होता है 2a b स्क्वायर, इसका इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, हालांकि यहां इसकी जरूरत नहीं है। तो इसका जो कन्वोल्यूशन आएगा क्या आएगा, ये जो रिजल्ट आएगा xe टू दी पावर j ओमेगा, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, माइनस 2a टू 2a, माइनस पाई पाई 4 से माइनस पाई बाई 4 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा, और ऐसा सिंक ऐसा बन जाएगा, ट्रेंगुलर वेव बन जाएगा 2a b स्क्वायर 2 इंटू 1 का स्क्वायर, और a की वैल्यू पाई बाई 4 है, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो गया पाई बाई 2, और बाहर 1/2 pi है तो वो भी लगा दे, बाहर 1/2 pi लगा दे, तो पाई से पाई कैंसिल आउट होके ये वैल्यू 1/4 बन जाएगा। 2a b स्क्वायर ये पाई बाई 2 आया, और बाहर 1/2 pi से मल्टीप्लाई है, तो पाई बाई 2 को 1/2 pi से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। तो ये आ गया x e टू दी पावर जे ओमेगा, मतलब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आ गया, ठीक है। थोड़ा सा ना हौच पौच हो गया, इन सबको मिटा दूं तो हमारा काम बन जाए ना। मतलब हमारे पास इसका इक्वेशन भी चाहे तो निकाल सकते हैं, चलिए जरूरत नहीं है, डायग्राम में ही मैं नोट डाउन कर लूंगा। इक्वेशन निकालना चाहते हैं क्या, इंक्रीजिंग स्लोप है ए, इसका स्लोप कितना होगा ऊपर बाई 1/4 है और डिवाइड बाई पाई बाई 2 है, ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 पर चला गया ना 1/2 pi, इसका स्लोप कितना हो गया 1/2 pi ओमेगा प्लस पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। ऐसे यहां बन जाएगा 1/2 pi माइनस ओमेगा प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो साइन पाई बाई 4 एन साइन पाई बाई 4 एन डिवाइड बाई पाई एन का होल स्क्वायर का फूरियर ट्रांसफॉर्म आपने निकाल लिया, क्या होगा अगर वैल्यूज के टर्म में लिखें तो माइनस 1/2 pi ओमेगा प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से जीरो के बीच, और 1/2 pi माइनस ओमेगा प्लस पाई बाई 2 जीरो से पाई बाई 2 के बीच, और जीरो होगा कहाँ पाई बाई 2 से पाई तक और माइनस पाई से पाई बाई 2 तक, मतलब जीरो कहाँ से होगा
पाई बाई टू से मॉड ओमेगा जब पाई तक रहेगा तो जीरो होगा इसके लिए, ठीक है। ये हो गया, डायग्राम भी यहां बना हुआ है, डायग्राम में रहने देता हूं, डायग्राम नहीं मिटा रहा हूं। ये जो एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा है ना, इसी का डायग्राम है यहां। ये रिजल्ट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको भी मिटा दे रहा हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। एसी का डायग्राम है, इसको भी मैं रहने दे रहा हूं, समझने के लिए आसानी होगी आगे। अब इसका कन्वोल्यूशन करना है क्या, साइन ओमेगा सी एन, किससे किसके साथ कन्वोल्यूशन करना है, साइन ओमेगा सी एन डिवाइडेड बाई पाई एन। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर देखेंगे तो फूरियर ट्रांसफॉर्म अभी तो डिराइव किया था हमने, क्या होगा, वन कहां से कहां तक, माइनस ओमेगा सी लेस देन ओमेगा टू जीरो, ओमेगा सी सॉरी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो लेस देन इक्वल टू मॉड ओमेगा लेस देन इक्वल टू ओमेगा सी, और जीरो होगा ओमेगा सी से लेके पाई तक। अब जब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एक्स एन कन्वोल्यूशन ऑफ एच एन, एस एक्स एन कन्वोल्यूशन ऑफ एच एन का जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म डीटीएफटी करते हैं तो एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई एच ई टू डी पावर जे ओमेगा होता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो इसका जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये दोनों, ए वाला सिग्नल और ए वाला सिग्नल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और प्रॉब्लम में दिया रहा है कि मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आए ना जी, इन दोनों का कन्वोल्यूशन करके जो रिजल्ट आए वो यही वाला टर्म आए, एक्स एन वाला टर्म ही आए, है ना। तो कब आएगा बताइए, देखिए अगर ओमेगा सी पाई बाई टू से छोटा होगा, मान लीजिए ओमेगा सी यहीं तक वैल्यू है, तो अंदर वाला वैल्यू तो ठीक है, वन से मल्टीप्लाई, वन मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, समथिंग ही होता है, 1 into 5, 5 होता है, 1 into 7, 7 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी। लेकिन अगर ओमेगा सी पाई बाई 2 से छोटा होगा तो ओमेगा सी के बाद वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये सिग्नल यहीं तक मिल पाएगा, हमें पूरा नहीं मिल पाएगा, है ना। तो वापस जो वाई एन है वो साइन पाई बाई 4 एन डिवाइड बाई पाई एन का होल स्क्वायर नहीं मिल पाएगा। ये सेम वैल्यू, मतलब एक्शन वाली वैल्यू, ये पूरी वैल्यू ही हमें चाहिए इस वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद भी, तो ओमेगा सी का वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए, पाई बाई टू से बड़ा होना चाहिए। अगर ये वाली वैल्यू, ये जो हमने इसका डायग्राम बना दीजिए, माइनस ओमेगा सी टू ओमेगा सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर ओमेगा सी पाई बाई टू से छोटा रहेगा तो ए वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होकर जीरो मल्टीप्लाइड बाई दिस समथिंग जो भी है वो जीरो हो जाएगा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट यहां से लेके यहां तक ए वाला रिजल्ट आ जाएगा, अगर ओमेगा सी पाई बाई टू से छोटा रहा तो, ठीक है। तो सेम रिजल्ट आने के लिए ओमेगा सी को क्या होना चाहिए, पाई बाई टू से बड़ा होना चाहिए। अगर ओमेगा सी पाई बाई टू से बड़ा होगा तो ए वाला सिग्नल इससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले से माइनस पाई बाई टू से, पाई बाई टू से वन इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, यही वाला सिग्नल बच जाएगा, मतलब यही वाला सिग्नल आपका बचा रह जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको, हमने एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा लिया था और इसको क्या ले ले भाई, एच एन ले लेते हैं, इसको एच एन एच ई टू डी पावर जे ओमेगा। तो आप लिख सकते हैं एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा इंटू एच ई टू डी पावर जे ओमेगा इक्वल टू एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा होगा, कब होगा, इफ वाई टू डी पावर जे ओमेगा। ऐसा कब होगा, जब ओमेगा सी ग्रेटर देन, ओमेगा सी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई टू होगा, ओमेगा सी जब पाई बाई टू से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा, पाई के बाद तो फिर सेम वैल्यू रिपीट करेगा, मतलब पाई बाई टू से पाई के बीच में होगा, पाई बाई टू से किसके बीच में होगा, पाई के बीच में होगा, तो वाई एन इक्वल टू क्या बन जाएगा,
एक्स एन बन जाएगा, वाई एन इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स एन कन्वोल्यूशन ऑफ एच एन, और इसकी वैल्यू एक्स एन के बराबर आ जाएगी इफ पाई बाई टू लेस देन इक्वल टू ओमेगा सी लेस देन इक्वल टू पाई होगा। तो यही आंसर आ गया, ओमेगा सी के लिए कंडीशन लाना था और ओमेगा सी का कंडीशन क्या आ गया, पाई बाई टू से पाई के बीच होना चाहिए। ओमेगा सी क्या होना चाहिए, पाई बाई टू से पाई के बीच में होना चाहिए। उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत सारी चीजें आपने इसमें कंसेप्ट पढ़ ली है कि गेट फंक्शन को कैसे हैंडल करते हैं, गेट फंक्शन का कन्वोल्यूशन भी कैसे करते हैं ये भी पता चल गया, साथ ही साथ गेट से सिंग का रिलेशन भी आपके समझ में आ गई। तो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था, ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम भरे पड़े हैं इस बुक में और इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन आने वाले वीडियोज में दिखेंगे। और जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी बुक के, और भी दूसरे बुक में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम हैं, सबके सोल्यूशन आने वाले हैं इस चैनल पे। चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी पेपर हैं सब पेपरों का सोल्यूशन इस चैनल पे आने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रखिए, आपके लिए कीमती धरोहर बनने जा रहा है चैनल। धन्यवाद।